मुझे उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी भी जिस तरीके से और लोगों के पीछे पड़ जाते थे, इस बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के पीछे पड़ करके सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत सारी जानकारी मिल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी भी जिस तरीके से और लोगों के पीछे पड़ जाते थे, इस बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के पीछे पड़ करके सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे। जो लोग दावा करते थे और जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, जो लोग जनता को धोखा देते थे, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। तो सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? ऐसा दुनिया के लोकतंत्र में नहीं होता होगा। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे।